जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सबको समाज किचन हिंदी में स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल की रेसिपी। आप इसको बारिश के मौसम में शाम के टाइम बना के खा सकते हो। चलिए जानते हैं ये कैसे बनता है और इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ब्रेड रोल बनाने के लिए यहाँ वाइट ब्रेड स्लाइस 8 पीस ले लिए हैं। टॉपिंग के लिए उबले हुए आलू 6 से 7 मीडियम साइज का छिलका निकाल के ले लिया है। सब्जी में सबको ये सब लिए है, सबको कद्दूकस कर लिए है। गाजर, शिमला मिर्च, अदरक 3 से 4, हरी मिर्च और हरा धनिया का पत्ता 2 बड़े चम्मच। आप इसके सिवा गोभी, मटर, बीटरूट ले सकते हो। सूखे मसाले में मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला 1/2 चम्मच लिए है और नमक स्वाद अनुसार लिए है। पहले हम आलू को मैश कर लेंगे। हमारा आलू मैश हो गया है, अभी इसको साइड में रख लेंगे। गैस ऑन करके एक कढ़ाई चढ़ा लिए है। 1 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी तेल डाल सकते हो। पहले अदरक को कद्दूकस किया हुआ अदरक को डाल के थोड़ा भून लेंगे। आप यहाँ प्याज लहसुन भी डाल सकते हो। हम ये रोल जो बना रहे हैं बिना प्याज लहसुन का है। अदरक भून गया है, अब उसमें उबला हुआ आलू को डाल के थोड़ा चला लेंगे और सारे सब्जी को डाल देंगे। आप यहाँ उबले हुए सब्जी भी ले सकते हो। हम यहाँ कद्दूकस करके ले रहे हैं और हरी मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हो। अगर बच्चे या कोई तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो स्किप कर सकते हो, लेकिन ये हरी मिर्च जो है एकदम बिना तीखा वाला है। हमारा सब्जी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं और सारे सूखे मसाले को डाल दे रहे हैं। हम सब्जी के हिसाब से मसाला लिया है। आप ये सब्जी अगर ज़्यादा ले रहे हो उस हिसाब से मसाला की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। सबको डाल के अच्छे से मिला लेंगे। हमारा जो रोल का मसाला है अच्छे से भून गया है, अब उसमें हरा धनिया को डाल दे रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। आप ये मसाला को बिना फ्राई किए भी बना सकते हो, लेकिन ये फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमारा मसाला तैयार हो गया है। गैस को ऑफ करके मसाला को एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं, जिससे कि हमारा जो मसाला है जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब चलिए, जब तक ठंडा हो रहा है हम ब्रेड को तैयार कर लेते हैं। हम जो ब्रेड स्लाइस लिए हैं, यहाँ मैं वाइट ब्रेड स्लाइस ली हूँ। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड या आटा ब्रेड ले सकते हो, कोई सा भी ब्रेड ले सकते हो। और जो चारों तरफ का एजेस है उसको निकाल ले रहे हैं और ब्रेड को अलग कर दे रहे हैं, बीच वाला पार्ट को। आप ये जो साइड कॉर्नर वगैरह इसको फेंकिए मत, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह हम सारे ब्रेड को काट के तैयार कर लिए और हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है। हम उसमें एक छोटी छोटी लोइयां बना दे रहे हैं, जिससे कि हम ब्रेड के अंदर डालने में हमें सुविधा होगा। टोटल 8 लोइयां बना दिए हैं मसाला का।
और हमारे पास 8 ब्रेड स्लाइस भी है। एक बर्तन में पानी ले लिया है जिसमें हम ब्रेड को डुबा के डीप थोड़ा सोक कर लेंगे जिससे कि वो थोड़ा सॉफ्ट होगा। इस तरह दोनों हाथ की हथेलियों से दबा दबा के पानी को निचोड़ लेंगे और इसी समय थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इसी समय ब्रेड का टूटना डर रहता है। इस तरह पानी को निचोड़ लेने के बाद उसमें जो मसाला का लोई बनाए थे उसको डाल के अच्छे से चारों तरफ से रैप कर देंगे ब्रेड की सहायता से। इस तरह ब्रेड को चारों तरफ लपेट के रोल बना लीजिए। रोल की तरह एक बन गया है। इस तरह सारे ब्रेड रोल बना लेंगे और गैस ऑन करके तेल का कढ़ाई चढ़ा लिए है जिसमें हम फ्राई करेंगे रोल को। तेल गरम हो गया है, एक एक रोल को डाल के हम तल लेंगे। चारों तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम तल लेंगे। देखिए एक ब्रेड रोल बन के तैयार हो गया है। अब इसको किचन टॉवल पर निकाल लेंगे जिससे कि जो तेल रहेगा वो सॉक कर लेगा टिश्यू पेपर। इसी तरह सारे ब्रेड रोल को तल लेंगे। कितना अच्छा दिख रहा है और क्रिस्पी बना है। देखिए सारे ब्रेड रोल तल के तैयार हो गया है और साथ में थोड़ा हरी मिर्च भी तल लिए हैं। आपको मैं दिखा रही हूँ कैसे बना है। ऊपर से एकदम क्रंची है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। ये जो रोल है आप इसको खाओगे तो इसमें दो तरह का स्वाद आएगा आपको, ब्रेड टोस्ट की और ब्रेड रोल का। अब चलिए सर्विंग करने की प्रोसेस में चलते हैं। टमाटो सॉस के साथ हम सर्व कर दे रहे हैं ब्रेड रोल। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर्व हो गया थोड़ा हरी मिर्च टमाटो सॉस और धनिया पत्ते के साथ। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।